हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम नाज अनवर है और आप सभी मुझे नाज अनवर मसाला और उसके नाम से जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पे आपके लिए हेल्थ और ब्यूटी से जुड़ी तमाम खबरें लाते हैं, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपसे जुड़ी होती हैं। तो चलिए, आज भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम सबको कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूरत पर। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि प्लीज हमारे वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस बटन को आप क्लिक करेंगे तो वो सब्सक्राइब होगा और उसके बगल में जो बेल आइकन बटन है, प्लीज उसे दबा दें और हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियोज लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फेशियल हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट एट होम। ठीक है, सबसे पहले इस रिमूवल ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल है, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाली नहीं है और ये सारी चीज़ें कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, हम लोग अपनी आम किचन से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला इन्ग्रीडियंट ये है लेमन। जैसे कि आप सभी जानते हैं लेमन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, विटामिन सी होती है, इन सारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपकी स्किन को वाइटनिंग करने में मदद करती है, सैंड टैन रिमूव करने में मदद करती है, यहाँ तक कि हेयर रिमूव करने में भी मदद करती है। हमारे फेशियल के अनवांटेड हेयर्स होते हैं ना, तो वो किसी को नहीं चाहिए होता है, सभी स्मूथ दिखना चाहता है। पहला इंग्रेडिएंट होगा लेमन। लेमन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होता है, आपको अच्छी तरह से पता है, विटामिन सी होता है, हमारे किचन में बहुत ईजी से अवेलेबल होता है। हम इंग्रेडिएंट में लेमन लेंगे, दूसरा बेसन लेंगे, एक चम्मच बेसन। हर घर में बेसन के पकौड़े तो बनते ही हैं, तो एक चम्मच बेसन। एक चम्मच चीनी लेंगे, चीनी शुगर। शुगर के बारे में तो सबको पता होगा, सबके घर में चीनी तो होती है। ठीक है, तो एक चम्मच बेसन, एक चम्मच चीनी और नींबू उतना लेंगे, उतना स्क्वीज करेंगे। अब हम लोग इसे एक घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब इसे एक घंटे बाद ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है एक अंडा ले और एक चम्मच एलोवेरा जेल। अंडा से हम लोग सिर्फ उसकी जर्दी लेंगे, योग फेंक देंगे, योग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडे का सफ़ेद हिस्सा चाहिए हमें। ठीक है, अब हम इस अंडे की जर्दी को और इस एक चम्मच एलोवेरा जेल को ठीक तरीके से मिलाएंगे, इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे जिससे ये पूरी तरह से स्मूथ हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब एक घंटा हो चुका है, हम क्या करेंगे, अपने एक दोस्त को लाएंगे, ये हमारी सहेली है, इनका नाम नमिता है। मैं इनके यहाँ के अपर लिप के पास, जो ये सारे हेयर है ना, ये अनवांटेड हेयर होते हैं ना, तो हम लोग इसे रिमूव करेंगे, वो भी बहुत ही स्मूथली। और कान के पास, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, इसके कान के पास भी बहुत सारे अनवांटेड हेयर्स हैं, तो इसे हम लोग रिमूव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चीनी का जो पेस्ट बनाया है, चीनी, बेसन और लेमन, इसको ठीक से मिल लगा देंगे जहाँ तक ये हेयर दिख रहा है। ठीक है, हम लोगों ने इसको लगा दिया और इसे तब तक सूखने देंगे, करीबन 20 मिनट तक इसे सूखने देंगे। जब ये सूख जाएगा तब हम लोग बाकी का प्रोसेस करेंगे। दूसरा, ये एलोवेरा जेल और एक का सोल्यूशन हम लोग इसके कान के पास, अनवांटेड हेयर के पास लगाएंगे। इसे ठीक तरीके से लगा देंगे और इसे भी 20 मिनट के लिए सूखने देंगे। जैसे कि दोस्तों आप सभी जान चुके हैं, हमारी सहेली नमिता का फेशियल सूख चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉटन लेंगे और कॉटन लेके उसको बिल्कुल इस तरीके से लगा देंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये चीनी पूरी तरह से सूख चुकी है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लगा देंगे और दूसरा कॉटन लेके इसके यहाँ पे कान के पास अनवांटेड हेयर है वहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब ये पूरी तरह से सूख चुकी है। अब हम इसे नीचे से डाउन टू अपवर्ड्स हम लोग इसे पुल करेंगे धीरे धीरे। ओके, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सूख चुका है। जी जी, देखा जी, अब आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हेयर नहीं है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे करते हैं कान के पास। याद रखिए इस बात को, जब भी आप कॉटन रिमूव करें तो उसे डाउन टू अपवर्ड्स करें। ठीक है,
हमेशा उल्टी डायरेक्शन में करें, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बिल्कुल ना करें, ठीक है। देखिए ये सूख गया है इसीलिए एक बार में निकल आया, अब इसे साफ कर देते हैं गीले कपड़े से। जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं कि मेरी सहेली नमिता का सारा हेयर निकल चुका है। ये सारे अनवांटेड हेयर होते हैं, आप जैसे भी चाहे, जब भी चाहे, जहाँ भी चाहे इस नुस्खे को यूज़ कर सकते। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इसे कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते। तो मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट ना ज़रूर फिर आपसे मिलूँगी एक नया नुस्खा लेके, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।